दिया मैंने मिल्क पाउडर, ये दिया मैंने शुगर, और ये दिया मैंने गुनगुना पानी। तो थोड़ा गुनगुना पानी लेना है, और सबसे पहले गुनगुने पानी में हमें डाल देनी है शक्कर यानी शुगर, और स्पून की सहायता से अच्छे से इसको मिक्स करना है। पानी एकदम से ठंडा भी ना हो, एकदम ज्यादा गर्म भी नहीं लेना है, गुनगुना पानी लेना है। अगर अच्छे से मेल्ट हो गई है तो हम थोड़ा थोड़ा करके ना मिल्क पाउडर इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे मिल्क पाउडर को। ये लम्स जो भी आप दिख रहे हैं ना, ये धीरे धीरे जैसे जैसे मिक्स होता जाएगा ना, वैसे वैसे लम्स जो है वो खत्म हो जाएंगे ऑटोमेटिक ही। तो आपको गुनगुनी पानी में ना मिक्स करना है, तो लम्स धीरे धीरे सारे जो ना अपने आप रिमूव हो जाएंगे। सारा डाल दिया हमने। अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे लम्स है ना हटा देने हैं, एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए। इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप देख सकते हो बिल्कुल से लम्स नहीं है इसके अंदर। सारे जो लम्स हमने है ना इस तरह से हटा दिया, ऐसे करके सारे लम्स हमने हटा दिए हैं। अब हम लेंगे ये एक नींबू और इसका जूस निकाल लेंगे। तो नींबू को आपको ऐसे कट करना है, नींबू का ऐसे आपको जूस निकाल लेना है। तो मैंने नींबू का जूस निकाल लिया है। चलते हैं गैस पे। गैस पे मैंने ये पैन टिका दिया है, और पैन में डाल देंगे थोड़ा सा हम घी, आधा चम्मच के लगभग हमें घी डालना है, ताकि हमारा जो पैन है ना वो चिकना हो जाए। तो आधा चम्मच घी हम अभी डालेंगे, आधा चम्मच घी हम ना बाद में डाल देंगे। और इसके बाद हम डाल देंगे अपना ये बैटर जो हमने तैयार किया है, सारा का सारा बैटर इसके अंदर डाल देंगे। फिर हम इसको ऐसे थोड़ा हिलाएंगे। स्पून को हम निकाल लेंगे, और ये वाला नॉन स्टिक पेन में हम यूज करेंगे। और अब हमें इसको ऐसे चलाते हुए ना थोड़ी देर पका लेना है, जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो, थोड़ा सा मतलब गर्म नहीं हो जाता है, गाढ़ा तो वैसे ही है ही ये, जब तक ये थोड़ा सा गर्म नहीं हो जाता है तब तक हम इसे ऐसे पकाएंगे। तो गैस का फ्लेम मैं हाई कर देती हूँ, और इसको ऐसे चलाते हुए ना थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। और इस तरफ मैंने थोड़ी सी इलायची ली है, इसको हम थोड़ा कूट करके ना इसका पाउडर बना लेते हैं। इस तरह से इसे फ्लेवर अच्छा आएगा। तो जब हमारा बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, तो हम इसके अंदर पहले डालेंगे वो नींबू का जूस जो हमने निकाला ना,
वो थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डाल देंगे ताकि इसके अंदर थोड़ी सी दाने आ जाएं। तो ये दानेदार स्वीट्स है ना, अच्छी लगेगी खाने में, टेस्टी लगेगी। तो लगभग आधे नींबू के जूस जितना हम डाल देंगे, तो आधा नींबू का जूस ही आपको डालना है। अगर आपका नींबू का जूस नहीं है आपके पास में तो आप इसको स्किप कर सकते हो। वैसे भी ये जो स्वीट्स है ना बहुत ही टेस्टी बनेंगी। और ये मैंने इलायची का फ्लेवर डाल दिया, आप देख सकते हो। तो इलायची जो मैंने कूट करके ली थी, तो आप 4 से 5 इलायची लेकर के उसको कूट लीजिए और उसका पाउडर इसके अंदर मिक्स कर लीजिए। इसके बाद हमें इसको चलाते हुए ना अच्छे से गाढ़ा करना है। जब तक कि ये जमने की कंसिस्टेंसी जितना गाढ़ा नहीं हो जाता है, तब तक हम इसको चलाते हुए गाढ़ा करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स हम डाल चुके हैं, बस अब हमें इसको चलाते हुए गाढ़ा करना है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो स्वीट्स है ना अच्छे से गाढ़ी हो गई हैं। अभी ये थोड़ी गाढ़ी और करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी गाढ़ी हुई है, थोड़ा अभी बाकी है। तो जब तक कि मतलब जमने की जो कंसिस्टेंसी होती है ना थोड़ी गाढ़ी, तब तक नहीं हो जाती, तब तक आपको इसे ऐसे चलाते रहना, बीच में रोकना नहीं। क्योंकि रोकने से क्या होगा कि ये तले में चिपक भी सकता है, क्योंकि ये आंगन वाली बाड़ी वाला मिल्क पाउडर है। तो चलाते हुए गाढ़ा करना है। बीच में थोड़ा सा घी, अब आपको जो आधा चम्मच और घी आपको डाल देना है और इसको एकदम से गाढ़ा बैटर तैयार कर लेना है। अच्छे से गाढ़ा होने के बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और अब आप इस तरफ से देखिए, मैंने इसको नीचे उतार लिया है और मैं इसकी थोड़ी सी बोल बना करके देखती हूँ। तो ये बोल अच्छे से बन रही है, मतलब बैटर आपका जमने की कंसिस्टेंसी में आ गया। इसको पूरा ठंडा करना है, बिल्कुल भी गरम गरम बैटर किसी भी कंटेनर में नहीं डालना है, एकदम से ठंडा कर लेना है। और कंटेनर आप देख सकते हो, मैंने इसके अंदर प्लास्टिक सीट लगाई है। आप चाहे तो वो बटर पेपर लगा सकते हैं, मेरे पास आज बटर पेपर नहीं था तो मैंने इसके अंदर है ना नीचे तले में प्लास्टिक की जो सीट आती है वो लगा दी है। और आप बैटर जैसे पूरा ठंडा हो जाएगा तो हम इस कंटेनर में डाल देंगे और इसको टैप करके और रख देंगे लगभग 4 से 6 घंटे के लिए। और 4 से 6 घंटे के बाद हम इसे निकालेंगे और फिर हम इसकी जो है ना बर्फ़ी कटिंग कर लेंगे। तो ये बर्फ़ी बहुत ही स्वीट्स बनती है। आपके घर में भी आंगनबाड़ी वाला जो मिल्क पाउडर हो ना, तो आप उसकी इस तरह से बर्फ़ी बना लीजिए, अच्छे से सेट कर दीजिए। मैंने क्या किया, इस कंटेनर में जब ये प्लास्टिक सीट लगाई ना, तो थोड़ा सा इसको चिकना नहीं किया, इसलिए थोड़ा निकालने में थोड़ा सी मतलब ये चिपक रहा है। अगर इसकी ऊपर थोड़ा सा आप इसको चिकना कर लेते तो ये जो है ना स्वीट्स को बिल्कुल से छोड़ देता है, रिमूव हो जाती है प्लास्टिक पेपर आसानी से। तो जब भी आप कोई मिठाई बनाओ तो ध्यान रखना उसको थोड़ा सा, जो भी बटर पेपर है प्लास्टिक सी सीट है वो उसको आप थोड़ा चिकना कर लें, ताकि आपकी जो स्वीट्स है वो आसानी से रिमूव हो जाए। उसके बाद में आप इसको गार्निशिंग करें ड्राई फ्रूट्स से, वर्क से, और फिर आप इसकी कटिंग कर ले। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया से कटिंग हो रही है हमारी स्वीट्स, और इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना इसी तरह की बेहतरीन वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू।